देखिए पेपर से भी पतले और हल्के पापड़ जिसको मैंने बनाया है पोहा से, ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक कप पोहा लिया है। इसे अच्छे से दो से तीन बार वॉश करने के बाद जिस सेम कप से मैंने पोहा लिया था उसी सेम कप से इसमें एक कप पानी डालने के बाद इसे एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया था जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इन पोहों को ग्राइंडिंग जार में डाल के इनका बैटर रेडी कर लेंगे। तो पोहे क्वांटिटी में ज़्यादा हैं तो एक साथ सारे पोहे नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े पोहे डाल के इनका बैटर तैयार करेंगे। इसमें हाफ कप के करीब वाटर डाल देंगे जिससे कि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो। अब जो ग्राइंड हुआ बैटर है उसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बचे हुए पोहे हैं उनको भी सेम तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा जो बैटर है आप देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। तो इसमें बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप पोहा और इसको मैं पकाऊंगी तो उस समय मैं इसमें ऐड करूंगी 4 कप पानी। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब गैस को ऑन करके इसका फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे चलाते रहना, इसे बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से पकड़ने लगेगा। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक आप को इसे इसी तरह से पकाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोहा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो इस पापड़ को मैं इस सीट पे बनाऊंगी जिसे अच्छे से इसके ऊपर रख लेंगे। तो बस आपको कलछी की हेल्प से इस तरह से डालते जाना है और कुछ नहीं करना है। पापड़ को इस तरह से रखते जाना है तो पापड़ अपनी शेप खुद ही ले लेगा, क्योंकि पापड़ जो है लिक्विड फॉर्म में है तो अपने आप फैल जाता है। पापड़ को अच्छे से 3 से 4 दिन तक धूप में दिखाना है जिससे कि पापड़ अच्छे से ड्राई हो जाए। पापड़ जो है ड्राई होने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इस तरह से दिखते हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ ही आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।